Before I proceed in this chapter, I just wanted to recall once again your accounting cycle. The day we started bookkeeping, so I'm muted. My voice is not clear to you. Is it clear to you? Yes. Done. Yes, the day we started our bookkeeping or accounting of plus one class, from that very day we are discussing accounting cycle. Am I right? So accounting cycle ki jab main baat karun, that was going to be started with identifying. Then we used to record, jab humne journal kiya. Recording का अलग से एक chapter था that we did in our journal chapter. Then we were having, yes, classifying, which we did in our ledger posting. Then summarizing. When we were preparing a summary of the ledger account balances, and that we did in our trial balance. Now we have arrived at analyzing. आपने अपने बिजनेस का स्टेटस जानने की कोशिश करनी है, मींस आपने अपने बिजनेस की स्टैंडेबिलिटी एनालाइज करनी है. एंड फॉर दैट पर्पस यू विल बी प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यू जस्ट वांट टू सी वेदर योर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल और नॉट. यू जस्ट वांट टू सी व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ एसेट्स इन योर हैंड एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज फॉर व्हिच यू ओ टू अदर्स. So, क्योंकि ये बिजनेस की फाइनल स्टेज आ गई है, तभी हम लोग इस चैप्टर को फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं. दिस इज द फाइनल स्टेज इन द रेस ऑफ माय बिजनेस. ठीक, तो हम अब डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं जहां पे हमें लगता है कि हम लोगों ने फाइनली देखना है कि बिजनेस का स्टेटस कैसा है. दैट्स व्हाई इन नॉर्मल लैंग्वेज वी विल बी कॉलिंग दिस चैप्टर फाइनल अकाउंट्स. फाइनली वो टाइम आ गया जब आपने, क्योंकि आपने पैसा इसी मोटिव को माइंड में रख के लगाया था कि कल को बिजनेस मेरा एनहेंस करेगा, बिजनेस में डेवलपमेंट होगी, बिजनेस ग्रो करेगा, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होने वाला है. राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर बिजनेस, सो यू अंडर क्यूरियोसिटी वांट टू नो कि यस, इस साल मैंने इतने एफर्ट लगाए, पहली बार मैंने बिजनेस में पैसा लगाया, तो मेरा बिजनेस मेरे को क्या रिटर्न दे रहा है. सो दिस चैप्टर इज टेलिंग अस हाउ टू नो द रिटर्न ऑफ द बिजनेस. That is how the profit and loss is to be calculated. So in this chapter, we will be focusing upon two types of statements. One is trading and profit and loss account. इस account में दो account simultaneously बनेंगे. लेकिन इस account की heading हम combined लिखते हैं. One account will be over. उसी की balancing figure को लेके अगला account आगे हम चलाते हैं. ठीक है? So I am going to prepare their format on the board for your reference. We will be preparing in this chapter. Overall, 8 number में question आता है भाई. ठीक है? अब क्योंकि हमारे pattern में जब मैं CBSE का plus two का pattern देखती हूँ, तो उसने 5 number का 40 marks था क्योंकि मैंने paper डालना. So I will be putting this question in 5 marks with 2 or 3 adjustments. ठीक है? Earlier we used to put 5 or 6 adjustments क्योंकि अब time कम हो गया है. तो एक question को तो आधा घंटा हम लगाना afford नहीं करते. So that's why I will just be putting 2 or 3 maximum adjustment, and the question will be of 5 marks. Right, so this is trading and profit and loss account. क्योंकि इस अकाउंट में आपने पूरे साल की इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड बनाना है, हम साथ में एक वर्ड एड ऑन करते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021. ये कौन सा साल रहा होगा? 2021. 31 मार्च 2021 को इसका एंड हो रहा है. इस पूरे साल के दौरान 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो भी इनकम्स और एक्सपेंसेस हुए, उन सब का रिकॉर्ड हम इस अकाउंट में शो करेंगे. दिस अकाउंट विल बी गिविंग अस टू टाइप्स ऑफ फिगर्स. वन विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, विच विल बी द, or we will be calling it gross loss, which will be a balancing figure from the first part of this account, which we call trading account. So separate nahi banate hum log, dono accounts ko combined banate hain. Hamare syllabus mein aisa hi format usne prescribe kiya. Either
द रिजल्ट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट और द रिजल्ट विल बी ग्रॉस लॉस। ठीक है, सोनी टीवी पे एक प्रोग्राम आता है जो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड है, शार्क टैंक इंडिया। इफ यू विल बी व्यूइंग दैट शो यू विल डेफिनेटली गेट अ सर्टन टर्मिनोलॉजी बीइंग यूज्ड इन आवर बिजनेस, लाइक द जजेस देयर और शार्क्स देयर हु आर द बिग बिजनेस टाइकून्स ऑफ इंडिया, दे यूज टू आस्क फ्रॉम द कंटेस्टेंट्स और फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स लाइक व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन। व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस मार्जिन इट मीन्स कि दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ देयर कंसर्न। How the gross profit is being calculated, thereby we will be just considering about the cost of production and revenue. Revenue means sale. यहाँ पे हम sale और cost of production को mind में रखेंगे और हम इस chapter में cost of production को cost of goods sold कहा करेंगे। So ये जो part है trading account का, यहाँ पे सिर्फ direct expenses को consider किया जाएगा। जो सारे indirect expenses और indirect incomes हुआ करेंगी वो P&L account, which we call profit and loss account के part में क्या करेंगे, हम show करेंगे। So, अगर कोई आपसे डिस्टिंक्शन पूछे व्हाट डू वी शो इन ट्रेडिंग अकाउंट, योर आंसर विल बी सेल्स परचेसेस एंड ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट डू वी शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इफ आई आस्क फ्रॉम यू वेयर डू वी शो वेजेस, वेजेस बीइंग अ डायरेक्ट एक्सपेंस इज टू बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। वेयर डू वी शो सैलरीज, सैलरीज बीइंग एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज टू बी शोन इन द P&L अकाउंट। Where do we show rent? Rent is my indirect expense. We will be showing in P&L account. Where do we show advertisement? Being an indirect expense, we will be showing it in your P&L account. Where do we show carriage inward? सामान को लेके आने का खर्चा is always being called direct expense. So it is to be shown in trading account. Where do we show carriage outward? That is indirect. We will be showing it in the P&L account. So these are few examples which were in my mind. I am telling you how the things are to be distinguished. And then we have freight. Freight is always being called your direct expense. Import duty, custom duty that you have to pay on airport only or on docks or on ports only. So that is also to bring the material at your place. Aap raaste mein kharcha pay karte ho. That are also the examples of your direct expenses. Okay. So let's proceed with trading in profit and loss account. Format is same as of ledger. डेट का कॉलम नहीं बनता बस यहाँ पे। हाँ, लेट्स सी हाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग इट। सो द फर्स्ट कॉलम विल बी ब्रॉडर इनफ क्योंकि इसी कॉलम में मैंने प्लस और माइनस करना है रिलेटेड टू माय एडजस्टमेंट। तो हम लोग इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, देन डेबिट साइड अमाउंट, देन क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स एंड क्रेडिट साइड अमाउंट। आई विल बी writing here debit, particulars, this is amount, particulars, amount, inra, और ये credit, ठीक है जी। और क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे trading and P&L account, P&L means, मैं abbreviation use करती हूँ बोलते हुए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच नेचर दे हैव, दे पोजेस द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वी विल बी शोइंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स वी विल बी शोइंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। ऑन द डेबिट साइड ऑल द आइटम्स आर टू बी शोन विद टू प्रीफिक्स, जैसे लेजर अकाउंट में टू के साथ हम लोग लिखते हैं सारी आइटम, एंड ऑन क्रेडिट साइड वी विल बी राइटिंग ऑल द आइटम्स विद बाय प्रीफिक्स, बाय वर्ड आगे लगाएंगे, एंड देन वी विल बी राइटिंग ऑल द आइटम्स इन योर trading and profit and loss account. So there is a prescribed sequence by. Firstly, I am going to familiarize you people about the items of trading account. It is always being started with opening stock, which will always or. इस तरह के questions का format क्या हुआ करेगा? He will always be giving you in the question trial balance. तो trial balance की हर item को आपको कहीं ना कहीं लिखना होगा। ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिया होगा विच विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की टॉप मोस्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक होगी। क्या मतलब है ओपनिंग स्टॉक का? ये वो स्टॉक है जो पिछले साल का क्लोजिंग है और इस साल का क्या बन गया है ओपनिंग। अगर ओपनिंग स्टॉक इधर लिखना है तो क्लोजिंग स्टॉक वी विल ऑलवेज बी राइटिंग ऑन द बाय साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आमतौर पर ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होता क्योंकि मैंने आपको ट्रायल बैलेंस का भी सेपरेट चैप्टर करवाया हुआ है,
क्लोजिंग स्ट्रोक विल ऑलवेज बी अपियरिंग इन योर एडजस्टमेंट, यू विल बी पिकिंग दैट एडजस्टमेंट, और क्लोजिंग स्ट्रोक की एक एडजस्टमेंट आनी आनी है, क्योंकि क्लोजिंग स्ट्रोक के बिना योर फाइनल अकाउंट्स आर नेवर बीइंग कंप्लीटेड, राइट. मैंने बोला दो या तीन मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स आएंगे. सो क्लोजिंग स्टॉक यू विल बी पिकिंग फ्रॉम योर एडजस्टमेंट एंड यू विल बी राइटिंग इट हियर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट. देन ऑन द डेबिट साइड वी हैव नेक्स्ट आइटम परचेसेस. अगर क्वेश्चन में परचेसेस भी आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेंगी, अगर क्वेश्चन में रिटर्न्स दे रखी हैं, कौन सी रिटर्न्स, परचेस रिटर्न, तो वो यहां से माइनस कर देना. माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो बाहर वाले कॉलम में. दो ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स इसकी. वैसे तो बेटर सोल्यूशन यही होता है कि परचेसेस में से ही परचेस रिटर्न माइनस करो, लेकिन अगर आप परचेसेस में से नहीं माइनस करते तो इसे रिवर्स साइड पे भी लिख सकते हैं. मींस परचेस रिटर्न यू कैन इवन राइट ऑन द क्रेडिट साइड, तो भी ऑटोमेटिकली माइनस ही होगी. ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड. देन ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी डेबिटेड हियर. और कितनी सारी एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की. इंपोर्ट ड्यूटी, अगर किसी दूसरी कंट्री से सामान आ रहा है, कस्टम ड्यूटी, देन वी हैव फ्रेट, देन वी हैव कैरिज इनवर्ड, देन वी हैव वेजेस, कोल, क्योंकि प्रोडक्शन में सामान यूज हो रहा है, फ्यूल, दीज ऑल मटीरियल्स आर बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन. वो खर्चे जो आपकी प्रोडक्शन में डायरेक्ट हेल्प करते हैं. यस, हिमांशु जी रोट राइट, नेट परचेजेस. विष्णु, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, चलो फॉर योर क्वेरी आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली हेल्पफुल इन माई प्रोडक्शन प्रोसेस. यू आर मैन्युफैक्चरिंग द थिंग्स ऑन योर ओन. ठीक है, वो खर्चे जो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं. और प्लस वो खर्चे जो आपने अपने सामान को जब खरीद के लेके आए रास्ते में पे करें, ऑन द वे. ठीक है, तो वेजेस. अब मजदूर लोग और लेबरर्स को क्यों अपॉइंट करते हो, बिकॉज दे हेल्प यू इन प्रोडक्शन, राइट. देन फ्यूल, फ्यूल इज बीइंग यूज्ड इन रनिंग योर मशीन्स, तो फ्यूल इज आल्सो अ डायरेक्ट एक्सपेंस. फ्रेट, रास्ते में खर्चा पे किया सामान को लेके आने का. इम्पोर्ट ड्यूटी, रास्ते में पे करी. और वो सारे खर्चे जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है. ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन. और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अनदर डेफिनेशन क्या है, All those expenses which are essential to run our operations smoothly, जो डेली के ऑपरेशंस को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं. इफ यू टुक लैंड ऑन और एनी बिल्डिंग ऑन रेंट, इफ यू आर नॉट पेइंग मंथली रेंट टू योर लैंडलॉर्ड, विल यू बी एबल टू रन योर बिजनेस स्मूथली. तो अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली और बिना किसी रुकावट से के चलाने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें या तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा जाता है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सो द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्ट, दैट ऑल आर इनडायरेक्ट. तो लाइटिंग, अब लाइटिंग क्वेश्चन में दो तरह की हुआ करेगी स्टूडेंट्स. वन इज फैक्ट्री लाइटिंग एंड अदर इज ऑफिस लाइटिंग. तो जो फैक्ट्री की लाइटिंग होगी, क्योंकि वो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, फैक्ट्री का मतलब है जहां पे आपकी मशीनरी लग गई, और ऑफिस का मतलब है जहां पे आपके क्लरिकल स्टाफ या मैनेजर्स वगैरह ऑफिस में बैठते हैं. तो ऑफिस की जो लाइटिंग होगी वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, जो पी एंड एल में जाएगा. और जो फैक्ट्री की लाइटिंग होगी, फैक्ट्री के सारे खर्चे, because that our factory means where your plant, where your machineries are being installed, where the production process is going on. So that all expenses you will be calling direct expenses, right? Mere ko lagta now meaning should be clear to you all. If purchases I am writing on this side, definitely sale is also my major income. Sale ke bina koi business chalta hai kya? Nahi. To sales hum is taraf likha karenge credit side pe, kyunki ye meri income hai. All incomes are always to be credited. ट्रेडिंग अकाउंट इज माई नॉमिनल अकाउंट. अगर सेल्स रिटर्न दे रखी है तो इसमें से माइनस करना और बाहर वाले कॉलम में नेट सेल लिखना. अगर आप इधर से माइनस नहीं करते तो इसे रिवर्स साइड पे भी लिख सकते हैं टू सेल्स रिटर्न. ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, अगर इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड शॉर्ट है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है. उस प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट कहा करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट, विच इज अ डिफरेंस ऑफ योर सेल्स एंड सीओजीएस. ये सारा पार्ट सीओजीएस का होगा. सीओजीएस आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट. और इसके आगे लिखा करेंगे कैरी डाउन. अगर डेबिट साइड बड़ी है, मीन सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट बड़ी है और इनकम कम है, तो उस केस में हमारे को ग्रॉस लॉस होगा. दोनों में से एक केस होगा भाई, कैरी डाउन, मीन्स उसे आगे ले जाओ. सो यहाँ पे वो छोटा सा अकाउंट बनता है ये. ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट खत्म.
मान लो अगर मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करूं, हो सकता है मैं जीपी खुद दूं क्वेश्चन में, क्योंकि मेरे को 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना ना, ठीक है, जीपी हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो और जीपी की हेल्प से ही कैन आस्क फ्रॉम यू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अर्लियर वी यूज टू हैव 3 आवर्स, वी यूज टू हैव 80 मार्क्स पेपर. अब मेरे को थोड़ा सा पैटर्न क्वेश्चन का चेंज ही करना पड़ेगा. हो सकता है मैं सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही पूछूं, ठीक, वो भी 3 नंबर में. ओवरऑल मेरे को 5 नंबर इस चैप्टर को देने हैं, 2 नंबर में अलग से कुछ और पूछा जा सकता है इस चैप्टर में से, एडजस्टमेंट्स की ट्रीटमेंट बताओ. सो लाइक दैट वे वी विल बी चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल बी रिवाइजिंग दिस चैप्टर फॉर योर टेस्ट. सो ग्रॉस लॉस. अब अगला पार्ट शुरू होगा. अगला पार्ट शुरू करने से पहले जो इस पार्ट की बैलेंसिंग फिगर है वो अगले पार्ट की ओपनिंग आइटम होगी. अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो आपने इस साइड पे उसे ब्रॉड डाउन करना है. जीपी मैं कहां करूंगी उसे, जीपी ब्रॉड डाउन. अगर ग्रॉस लॉस है तो आपने उसे इस साइड पे ब्रॉड डाउन करना है. आई विल बी कॉलिंग इट जीएल ब्रॉड डाउन, दोनों में से एक होगा. अब आपकी टर्न है कौन सा अकाउंट कंटिन्यू करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटिन्यू करने की. इस अकाउंट में सारी इनडायरेक्ट इनकम्स और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं. सो लेट्स मेक अ ह्यूज लिस्ट ऑफ फर्स्टली ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड दैट यू विल बी सर्चिंग फ्रॉम योर ट्रायल बैलेंस. आप उन सारी आइटम्स को ट्रायल बैलेंस में से सर्च करो. सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड एंड आई एम गोइंग टू इरेज द अपर पोर्शन. लेट्स प्रोसीड. कंटिन्यूशन में बनना है भाई, क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे इतनी स्पेस नहीं है तो मैं दोबारा से फॉर्मेट ड्रॉ कर रही हूँ एंड आई अज्यूम कि मैंने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर लिया है और उसके बाद आई एम प्रोसीडिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हेडिंग वही रहेगा जो पहले लिखा था मैंने, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ईदर यू गॉट द बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट. अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर मिली है तो वो आपने इस तरफ लिखी होगी बाय पी एंड एल अकाउंट का स्टार्टिंग पॉइंट है ये, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड. अगर तो बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस लॉस रही होगी तो वो आपने इस साइड पे लिखी होगी टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड. अब इस साइड पे मैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मेरे माइंड में है दैट आई एम गोइंग टू राइट, लाइक टू सैलरी क्वेश्चन में दिया होगा और अगर सैलरी के साथ कोई एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट प्लस और माइनस होगी. वो जैसे जैसे एडजस्टमेंट्स आएंगे आई विल टेल यू. टू सैलरीज या ओनली सैलरी, टू कैरेज आउटवर्ड, क्योंकि कैरेज इनवर्ड आपका क्या था, डायरेक्ट एक्सपेंस था. सो कैरेज आउटवर्ड इज ऑलवेज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस. टू रेंट पेड, टू एडवर्टिजमेंट, टू फ्री सैंपल, टू डोनेशन. To charity या donation he will be calling it. To interest paid, हो सकता है आपने बैंक से लोन लिया हो और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो. सो इंटरेस्ट पेड इज ऑल्सो माई एक्सपेंस. टू इंटरेस्ट पेड, टू कमीशन पेड, इन सबको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस की लिस्ट में लेते हैं. टू डिस्काउंट अलाउड, टू इंश्योरेंस, टू इनकम टैक्स जिसे हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, तो ड्रॉइंग्स भी इधर ही आती हैं. टू डिस्काउंट अलाउड, टू रॉयल्टी, आप किसी को रॉयल्टी पे कर रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा. टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप अपने कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो. टू टेलीफोन चार्जेस, टू इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर द जेन्युइन एक्सपेंसेस विच यू नीड टू इनकर व्हेन एवर यू want to run your business smoothly. जब आप अपने business को smoothly run करना चाहते हैं तो आपको ये खर्चे करने ही पड़ने हैं students. Electricity, two telephone charges, etc. अगर हमारे पास indirect list, expenses की इतनी बड़ी list है तो indirect incomes की भी कुछ items है. Like हो सकता है आपने अपनी बिल्डिंग रेंट पे दी हो तो समटाइम्स रेंट रिसीव्ड कैन बी योर इनकम. हो सकता है आपने किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हो या आपने किसी को लोन दिया हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है.
by interest received. अगर interest paid is an expense, तो interest received is always your income. Interest received. हो सकता है you are working like an agent and in return you are receiving the commission. So in that case, commission received will be your income. If commission paid is your expense, so it is obvious commission received is your income, right? By commission received. Done? Any other income in your mind? Royalty received. हो सकता है आपको royalty मिल रही हो. By royalty received. अगर आप डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हो सकता है आपके क्रेडिटर्स आपको डिस्काउंट देते हैं. तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड एटसेट्रा एटसेट्रा. इफ द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज बिगर देन द डेबिट साइड, मींस इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंसेस साइड शॉर्ट है, यू विल बी हैविंग अ बैलेंसिंग फिगर. इन दैट केस सी द बॉटम ऑफ द बोर्ड हियर, यू विल बी कॉलिंग इट नेट प्रॉफिट. Net profit to be added या to be transferred to capital. आपने net profit यहां से उठाना है और balance sheet में जाके proprietor की capital होती है उसमें add कर देना. Why? Because it is the owner of the business who has the full fledged right over the net profit earned from the business. मेरे proprietor का इस profit के ऊपर पूरा अधिकार है. तो हम इस प्रॉफिट को उठाते हैं और कैपिटल में ऐड कर देते हैं. बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे कैपिटल विल बी ऑलवेज योर वेरी फर्स्ट आइटम. एंड दो इट इज माय इंटरनल लायबिलिटी, बट वी शो इट ऑन द लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट की दो साइड्स बना करेंगी. वन इज लायबिलिटी साइड, अभी फॉर्म में डिस्कस करना है. एंड अदर इज एसेट साइड, राइट? और अगर डेबिट साइड ग्रेटर है और इनकम साइड कम है तो उस केस में लॉस होगा. हम उस लॉस को क्या बोलेंगे? नेट लॉस. दैट इज ऑल्सो टू बी ट्रांसफर to the capital account. अगर profit capital में add होता है तो net loss capital में से minus होगा. लेकिन wording यही लिखनी है. Let me write the full name. Net loss to be transferred to capital. इन दोनों accounts के बारे में कुछ भी पूछना है, you are free to ask. Transfer to capital and capital we are showing. और दोनों sides का total same होगा. Balancing figure आपको ledger posting वाले chapter में सिखाई हुई है. You just have to see which side is greater. तो यहाँ पे सारा खेल आपका प्लस माइनस का है. सारी आइटम्स का टोटल आपने सही से करना है. अब हमारा चैप्टर अगले पड़ाव की तरफ जाता है. दीज टू अकाउंट्स इन अ कंबाइंड फॉर्मेट इज टेलिंग मी द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन ऑफ माय बिजनेस. ईदर आई एम एंजॉयिंग द प्रॉफिट इन माय बिजनेस और आई एम सफरिंग विद द लॉसेस, राइट? अब एक बात और, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन. फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का ग्रॉस मार्जिन 30% है, मींस उस कंपनी का 30% ग्रॉस प्रॉफिट था, लेकिन नेट लॉस उसका आ गया 10%. मींस ग्रॉस प्रॉफिट होने के बावजूद भी आपकी कंपनी को नेट लॉस हो सकता है. व्हाई? हु विल आंसर? इफ योर कंपनी इज एंजॉइंग ग्रॉस प्रॉफिट 30% बट अल्टीमेटली द नेट रिजल्ट इज नेट लॉस 10%, व्हाई? क्यों ऐसा हुआ होगा? एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? यस, ऐसी कोई कंपनी हो सकती है. वरुण, इट्स नॉट योर पीरियड. बच्चे, मैंने पहले भी मौलिक को भी बोला है, सम्यक को भी बोला है, दे लेफ्ट द क्लास. वरुण, आर यू गेटिंग कि दिस इज नॉट योर प्लस टू क्लास, इट्स प्लस वन क्लास. सो आई एम गोइंग टू रिमूव यू बिकॉज यू योर सेल्फ आर नॉट गेटिंग. यू हैव नाउ सिक्स्थ पीरियड ऑफ बिजनेस स्टडीज. यस, हु विल टेल? If a concern is enjoying the gross profit, even then the concern has net loss. Why and how it may happen? Any intelligent student of my class? Any volunteer? किसी को नहीं पता. मैं कोई difficult term पूछ रही हूँ. अगर किसी company को gross margin हो रहा है, फिर भी उस company को net loss हो सकता है, क्यों और कैसे? समृद्धि, आप बताओगे? Unmute करो समृद्धि. Yes. हो सकता है ऐसा? शायद हो सकता है. किन हालातों में? जब इनडायरेक्ट लॉसेस ज्यादा हो. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिल्कुल ठीक है दीपक, ने यही आंसर दिया. व्हेन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो तो ऐसी कंपनी को हम सजेस्ट करेंगे, कीप अ कंट्रोल ओवर योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. ब्लाइंडली मत स्पेंड करो बिकॉज यू आर देयर इन द मार्केट टू अर्न प्रॉफिट. How can you survive for the longer period of time if you are running into losses?
ठीक है, मींस कंपनी का अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे तो कंट्रोल था जिसके कारण ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, बट इन रिटर्न मेरे को हमेशा क्या देखना है, नेट प्रॉफिट देखना भाई, दैट इज गोइंग टू द हैंड्स ऑफ माय प्रोप्राइटर, सो आई एम ऑलवेज फोकस्ड अपॉन माय नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है और उसके बाद आपका नेट रिजल्ट लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस कि यू आर नॉट ऑन राइट ट्रैक, इट मींस कि यू हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच कन्वर्टेड योर ग्रॉस मार्जिन टू नेट लॉस। सो ऑलवेज कीप अ कंट्रोल ओवर योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द मार्केट। अल्टीमेटली यू नीड टू बीट योर कॉम्पिटिटर्स, अल्टीमेटली यू नीड टू मेक एन इमेज इन द मार्केट, and this so we are doing from the viewpoint of sole proprietor. Had I been running a public limited company, then how can I announce the dividend if I am running into losses, because dividend is totally dependent upon my net profit earned by the company. theek hai, isliye hamesha focus kya rehna chahiye ki main itne kharche karun ki mera gross margin loss mein convert na ho, kam se kam mere haathon mein kuch return to aaye. I invested my hard earned money in the business, I worked for day and night. So this should be my focus every time. Every entrepreneur is always having this far-sighted focus that I should earn lump sum amount of profit, because he is not going to share this profit with anyone. Comment ko tax lene ke baad, whatever is being left, that is his own reward, because he worked day and night, hard work usne kiya hai. Theek hai? So always focus upon net profit. Next, we will proceed on Monday. We will be discussing that day about the balance sheet, right? Very interesting chapter, and please don't miss the class. Hannavya ka question padhte hain, when cost of manufacturing a product is less but more money is spent on marketing advertisement for example, chalo ha isne wahi answer diya, theek hai, manufacturing cost kam hai lekin marketing aur advertisement ke upar bahut zyada kharch kar diya jata hai, means indirect expenses zyada ho jate hain, to bhi net loss ho sakta hai. good answer, very good answer. So you have now a business vision. You can think from the business point of view. I am happy with your answers. At least you people are getting it.